जहां एक ओर कांगड़ा जिला प्रशासन कांगड़ा के एयरपोर्ट के विस्तार के लिए बार बार सर्वे कर रहा है, वहीं एयरपोर्ट के पास रहने वाली जनता की रातों की नींद हराम हो चुकी है। स्थानीय लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि सरकार वाकई में कांगड़ा एयरपोर्ट का विस्तार करना चाह रही है या जनता को महज भ्रमजाल में डाला जा रहा है। इसी समस्या को लेकर सोमवार को कांगड़ा एयरपोर्ट के साथ लगते कई गाँव के लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल जिलाधीश कांगड़ा कार्यालय पहुंचा और उपायुक्त राकेश प्रजापति से मुलाकात की। जिला प्रशासन कांगड़ा के एयरपोर्ट के विस्तार के लिए बार बार किए जा रहे सर्वे से परेशान गांव के लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल उपायुक्त कांगड़ा कार्यालय पहुंचा। यहां पर लोगों ने उपायुक्त राकेश कुमार प्रजापति से मुलाकात कर गुजारिश की कि उन्हें एयरपोर्ट के विस्तार को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम जाल से बाहर निकाला जाए। ग्रामीणों ने साफ किया है कि वो अपने क्षेत्र के विकास की राह में रोड़ा नहीं बनना चाहते। अगर सरकार एयरपोर्ट के विस्तार के लिए जमीनों का अधिग्रहण करना चाहती है तो वो खुशी खुशी अपनी जमीनें देने को तैयार है, लेकिन सालों से महज भ्रम जाल की स्थिति पैदा की जा रही है। हकीकत में सरकार की ओर से कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है, जिसकी वजह से उनका निजी विकास रुका है। लोगों का कहना है कि अगर सरकार एक बार अपनी स्थिति स्पष्ट कर दे कि किस दिशा में जमीनों का अधिग्रहण होना है तो वो उन जमीनों को छोड़कर दूसरी जमीनों पर अपना कारोबार शुरू कर सकेंगे, ताकि भविष्य में उन्हें भी किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। लेकिन अभी उन्हें इस बात का डर है कि ना जाने कब उनका कारोबार सरकार उजाड़ देगी। हमने आज यहाँ डी साहब से ये मांग रखी कि गूगल की जो विस्तारीकरण की स्थिति है वो स्पष्ट की जाए। हम लोगों जहाँ लोगों को रोज डर बना हुआ है, ये एक बात बड़ी सी क्लियर की जाए कि हम कौन से एरिया लेंगे, कहाँ से लेंगे। इस चीज़ में आज हम यहाँ मिले हैं डी साहब से। नहीं, वो विरोध जो लोग कर रहे हैं वो विरोध अपनी जगह सही कर रहे हैं, वो भी वो स्थिति उनके पास स्पष्ट नहीं है कहाँ क्या चीज़ है, इसीलिए विरोध कर रहे हैं। वो एक बार क्लियर करती है सरकार तो वो विरोध भी नहीं होगा, और विरोध वाले लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ चीज़ें मिल रही हैं, ये चीज़ स्पष्ट हो रही है, कौन से एरिया जा रहा है, कौन से बिजनेसमैन की बिजनेस खराब हो रहा है, ये चीज़ें देखी जाएंगी। वहाँ हम बिल्कुल अस्वस्थ हैं डी साहब से, और डी साहब ने बहुत बढ़िया बात की और हमें बताया कि जब भी आएंगे हम आएंगे आपके पास, एक एक आदमी से मिलेंगे और एक एक घर के लोग से मिलेंगे, जिससे बात करके करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे कि जिसमें किसी को विरोध करने की जरूरत पड़ेगी। जिला उपायुक्त राकेश प्रजापति ने स्थानीय ग्रामीणों की इस बात का समर्थन किया और उनकी आवाज़ को सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करने की बात कही। एयरपोर्ट एक्सपेंशन का प्लान चला हुआ है और उसमें कुछ ज़मीनें जो है अधिग्रहण करनी है, ताकि जो एयर स्ट्रिप है उसको एक्सपेंड किया जा सके, एयरपोर्ट को बड़ा किया जा सके। और कुछ असमंजस की स्थिति ज़रूर पैदा हुई है गगल में, लोगों को लग रहा है कि पता नहीं कौन सी ज़मीनें जाएंगी। तो आज प्रतिनिधिमंडल को यही समझाया गया यहाँ पर कि जो ज़मीनें जानी है उसकी आइडेंटिफिकेशन चली हुई है, और एक बार जब आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी उन ज़मीनों की, उसके बाद लोगों के बीच में ये जाएगा और इनके जो भी शक है या जो भी इनकी परेशानियां हैं उसको रिकॉर्ड पे लिया जाएगा। और सरकार की तरफ से जो नेगोशिएशन कमिटी है उसका नोटिफिकेशन हो गया है, और आने वाले वक्त में जो हमारा ड्राफ्ट प्लान है, ड्राफ्ट प्लान के हिसाब से कौन कौन से हमारी ज़मीनें खसरा नंबर वाइज जो हमने अधिग्रहण करना है उसकी लिस्ट बनाई जा रही है। ये लिस्ट सरकार के पास जाएगी और सरकार से इसका नोटिफिकेशन होना है, और नोटिफिकेशन होने के बाद नेगोशिएशन के टाइम जितना भी जो भी पॉइंट्स रेज किए गए इनके द्वारा उसको टिकअप किया जाएगा। सिटी चैनल के लिए धर्मशाला से नृपजीत निप्पी की रिपोर्ट।